सिद्धि विनायक गणपति देवा, चाहूँ सदा मैं चरणों की सेवा। सिद्धि विनायक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एस्पो लाइफ में। आज है 31 अगस्त बुधवार और आज है गणेश चतुर्थी का त्यौहार। तो इस शुभ अवसर पे आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आ गई हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल ब्लॉग लेकर, जिसमें एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है मोदक, जो कि भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है। तो चलिए पहले मोदक बना लेते हैं, उसके बाद फिर पूजा करते हैं। मोदक बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है, अब मैं इसमें कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ आधी कटोरी। ये रेडीमेड कोकोनट पाउडर है, आप चाहें तो कच्चा नारियल को भी घसकर इस तरह से बना सकते हैं। इसे मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी जस्ट 2 मिनट के लिए। अब मैं इसमें गुड़ डाल दे रही हूँ। गुड़ डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इस तरह से चलाना है ताकि गुड़ अच्छे से इसमें मिल जाए। और इसमें मैं 2 इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। स्टफिंग मेरी रेडी है, अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। एक बार फिर मैं कढ़ाई में 1/2 टीस्पून घी डाल रही हूँ और 2 कप पानी दे रही हूँ। पानी में अच्छी तरह से उबाल आने के बाद इसमें मैं चावल का आटा डालूंगी। मैं चावल के आटे से बना रही हूँ मोदक। वैसे मोदक आप बेसन से भी बना सकते हैं, सूजी से भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, इसे टेस्ट अच्छा आता है। पानी में अच्छी तरह से बॉईल आने के बाद इसमें मैंने 1 कटोरी चावल का आटा डाला है। एक्चुअली उस टाइम में कैमरा ऑफ हो गया था, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। इस कटोरी से 1 कटोरी मैंने चावल का आटा डाला है। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 से 3 मिनट के अंदर ये हो जाएगी। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। अब मैं इसका एक डो बना लूँगी, ज़्यादा ठंडा नहीं है ये, हल्का हल्का गर्म रहेगा तभी इसे आप अच्छी तरह से मिला लीजिए, अदरवाइज़ ठंडा होने के बाद ये नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट डो बन गई है। अब मैं इसके छोटे छोटे लोइए बना लूँगी। और इस तरह से इसे चारों तरफ से दबाते हुए इसको एक गोल शेप में लाना है और इसके अंदर स्टफिंग को डालना है। मोदक बनाना बहुत ही आसान है और ये भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है, तो आप इसे इजीली घर में बना सकते हैं और बापा को प्रसन्न कर सकते हैं। मोदक का एक फ्रेम भी मिलता है, आप उसके अंदर भी डालकर मोदक को शेप में ला सकते हैं, बट मेरे पास नहीं है तो मैं इसे हाथ से ही प्रेस करके इस तरह से मोदक का शेप में ले आई हूँ और इसे फोर्क की सहायता से चारों तरफ से कट लगा दे रही हूँ ताकि ये एक अच्छा डिज़ाइन बन जाए। ये देखिए दोस्तों, बन गई ना अच्छी मोदक, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से मैंने सारे मोदक में स्टफिंग भर लिया है, अब इसे स्टीम देना है। तो स्टीम देने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नीचे बर्तन में पानी रख दिया है और उसके ऊपर इस तरह से जालीदार
खाली रखा है, उसके ऊपर मैं ये मोदक डाल दे रही हूँ और इसे जस्ट 10 मिनट के लिए स्टीम देना है। दस मिनट के बाद देखिए मेरी मोदक बिल्कुल तैयार है बाप्पा को चढ़ाने के लिए। तो मोदक बन गई है, अब चलिए पूजा कर लेते हैं। जय देव जय देव।
फ्रेंड्स, आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अभी आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं मेरे लेटेस्ट रील्स और पिक्स को देखने के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गणपति बाप्पा मोरिया।